हेलो एवरीवन। अब इसमें हम लोग एक बार पढ़ते हैं उस अल्फाबेट को, एक नजर देखते हैं। देखिए, अलिफ अलिफ बे अलिफ बे पे ते टे से जीम चे एंड हे खे दाल डाल जाल। ये जो है दाल डाल जाल आप पढ़ चुके हैं। अब आइए, रे रे जे सीन शीन। मैंने कहा ये छोटी सीन है ऊपर वाला और नीचे वाला बड़ी शीन। साद जाद तो जो एन रैन फे। अब आइए, काफ, ये बड़ी काफ भी कहलाती है, छोटी काफ। गाफ, जैसे मान लिया गुलदस्ता लिखना है तो इससे लिखाएगा। लाम मीम नून वाव हे हा, ये भी हे ही कहलाता है, छोटी है। लाम अलिफ हमजा ये। और अब हम लोग पहचान करेंगे। अब आप हम लोग एक पहचान करते हैं नूरानी कायदा से। अब इसमें हम लोग एक पहचान करेंगे कि आप कितना जान पा रहे हैं। तो ये देखिए, यहां आप समझिए, अलिफ बे ते से जीम हे खे दाल जाल रे जे सीन। ये भी शीन, बड़ी शीन। सात जात तो जो एन। अब आप देखिए, गैन फे काफ काफ लाम मीम और नून नून वाव हे हमजा ये। दो बिंदु दोनों में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ये रहा, हम लोगों ने पहचान कर लिया। आप एक बार इसको पहचान करके देखिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप हमें बताइए, ये जीम है और ये क्या है जीम के बाद, दूसरा लफ्ज क्या है जीम के बाद। आप बताएंगे ये खे है तो ये क्या है, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। आप हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में। और ये जाल है, आप बताएंगे ये क्या है, ये कौन सा शब्द है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इसके बारे में। और आप हमें बताइए ये क्या है, ये इस शब्द के बारे में आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप बताएंगे इस शब्द के बारे में ये क्या है। और आप हमें बताएंगे कि ये क्या है, और ये है वाव, तो आप हमें ये बताएंगे ये कौन सा शब्द है। और आप बताइए ये है एन, ये है हमजा, सॉरी, और ये है ये, तो ये क्या है। और आप बताएंगे ये कौन सा शब्द है, इस शब्द का, इस अल्फाज का, लफ्ज का नाम आप जरूर बताएंगे।
तो इससे ये पता चलेगा कि आपकी पहचान कितनी हो पाई है। अब आपको सबसे ज़्यादा जो जोर देना है वो लफ्ज़ों के पहचान पे देना है, अल्फाज के, अल्फाज को आप पहचानिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।